महामहिम का अपमान क्यों हुआ आसान, अपने नेता के बयान पर क्यों खामोश हैं ममता दीदी, क्या टीएमसी से बर्खास्त होंगे नेता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा, ये कहावत मानो टीएमसी के लिए ही बनी हो, क्योंकि टीएमसी के नेता भूल गए हैं कि देश के राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उस पद की गरिमा क्या होती है। और उनकी सुप्रीमो ममता बैनर्जी हैं कि ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बजाय ऐसे बयानों को बढ़ावा देती हैं। आज इसी सुलगते हुए सवाल की चिंगारी हम पहुंचाएंगे पश्चिम बंगाल में बैठी ममता बैनर्जी तक, जिन्हें शायद सत्ता का गुमान इतना हो गया है कि वो और उनके नेता राष्ट्रपति के पद की गरिमा तक भूल बैठे हैं। राजनेताओं के महिला विरोधी बयानों की लिस्ट निकाली जाए तो शायद ही कोई पाक साफ मिले। ताजा नाम जुड़ा है पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी का। गिरी अपने वायरल वीडियो में जरा सुनिए क्या कहते नजर आए हैं। हम किसी को शक्ल सूरत से जज नहीं करते, हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति दिखती कैसी हैं? देखा आपने किस तरह से टीएमसी के नेता देश के राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भीड़ भी उनके मजाक पर पूरा लुफ्त उठा रही है। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि उस भीड़ में महिलाएं भी मौजूद हैं, और आप में से कुछ लोग शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पश्चिम बंगाल के हर घर में महिलाएं घर का अहम निर्णय लेती हैं। बावजूद इसके टीएमसी के नेता की ओर से ऐसा बयान आना पार्टी पर और महिलाओं के हक की बात करने वाली ममता बैनर्जी पर कई सवाल खड़े करता है। ऐसा बयान और सियासी गलियारे में हलचल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब टीएमसी के नेता की अभद्र और नागवारा टिप्पणी पर सियासत गरमा गई है। अब इस विवाद पर बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने गिरी के बयान को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू इस तबके से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। गिरी ने विवाद बढ़ता देख अपने बयान से मानो यूटर्न ही ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने शुभेंदु अधिकारी के कमेंट के जवाब में इस तरह की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि अखिल गिरी अच्छे नहीं दिखते हैं, मैं एक मंत्री हूं, मैंने पद की शपथ ली है, मेरे बारे में ऐसा कहना संविधान का अपमान है। आजकल कितना आसान हो गया है किसी का मजाक बनाना, क्योंकि बस एकमात्र सॉरी से सारी गलती जस्टिफाई हो जाती है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसी टिप्पणी की गई हो। गिरी से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बताकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। बात सिर्फ राष्ट्रपति या एक आदिवासी के अपमान की नहीं है, नेताओं ने बार बार महिलाओं को नीचा दिखाने वाले बयान दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से अपने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देश से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ममता बैनर्जी को खुद सामने आकर ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके मंत्री ने किसके कहने पर महिला आदिवासी राष्ट्रपति को अपमानित करने वाला बयान दिया है। मुंडा ने कहा कि राष्ट्रपति का पद देश का संवैधानिक सर्वोच्च पद होता है, जो राजनीति और राजनीतिक दलों से और ऊपर होता है। आपको बता दें कि मुर्मू इसी साल जुलाई में भारत की राष्ट्रपति बनी। उसी वक्त कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी बताकर बवाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने फौरन इसे लपका लिया और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। सोनिया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच संसद में गहमागहमी भी हुई थी, दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ। इसके बाद चौधरी ने लिखित में राष्ट्रपति से माफी मांग ली थी। ये लिस्ट यही नहीं थमी। पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के आर रमेश कुमार ने विधानसभा में बलात्कार पर आपत्तिजनक बयान दिया था, वो भी विधानसभा के अंदर। कुमार ने कहा था कि जब रेप तय हो तो लेट जाओ और मजा लो। समाजवादी पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 2014 में बलात्कार के लिए फांसी की सजा के खिलाफ बोलते हुए कह दिया था कि लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 2013 में सहयोगी नेता मीनाक्षी नटराजन को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था। सिंह ने कहा था कि मीनाक्षी सोट अंचमाल है। सपा के ही आजम खान ने एक बार अभिनेत्री से नेता बनी जयप्रदा पर बेहद गंदा बयान दिया था कि एक महिला होने के नाते मुझे वो बयान बताने में भी शर्म आ रही है। आजम खान के बयान के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक उन पर बैन लगा दिया था। 2012 में तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीवियों की तुलना क्रिकेट में जीत से की थी। ये तो अभी सिर्फ राजनेताओं के बयान हैं। अगर आपको लगता है कि एक महिला दूसरी महिला के बारे में गंदी बात नहीं करेंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। निर्भया केस जैसे जघन्य अपराध पर बात करते हुए आशा मिर्जे ने कहा था कि निर्भया को रात में 11 बजे अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाना चाहिए था क्या।
शक्ति मिसल्स गैंग रेप केस को लीजिए, क्योंकि पीड़िता ऐसे सुनसान जगह पर शाम 6 बजे जाएंगी। बलात्कार होते हैं महिलाओं के कपड़ों की वजह से, उसके व्यवहार की वजह से और गलत जगहों पर उसके होने से। हैरानी उनके बयान से ज़्यादा इस बात की है कि मिर्जे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं। भारत में राजनीति करने में कुछ नेताओं का लेवल इतना लो हो गया है कि देश को आगे कैसे लेकर जाएं, देश की तरक्की में कैसे योगदान दें, उनको इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि कैसे दूसरी पार्टी को पीछे खींचे, कैसे उनको नीचा दिखाएं। और सबसे बड़ी बात, देश की राष्ट्रपति के लिए ये बयान बेहद निंदनीय है। देखना ये है कि इस पर महिलाओं के हक की बात करने वाली ममता बनर्जी क्या एक्शन लेती हैं। देखना ये भी होगा कि ममता बनर्जी इस पर कोई एक्शन लेती भी है या नहीं। एक सवाल के साथ आज आपको भी छोड़कर जाते हैं। राष्ट्रपति हो या कोई भी आम नागरिक ही क्यों ना हो, क्या किसी के भी बॉडी पर, चेहरे पर, कॉम्प्लेक्शन पर कमेंट करना स्वीकार्य होना चाहिए? क्या एकमात्र सॉरी से सारी गलती खत्म हो जाती है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए सवाल से हम फिर सुलगाने आएंगे नेताओं की सत्ता। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।